7460, चूँकि सीसीटीवी फुटेज था, बाइक सवार का भी वीडियो था, तो रामगढ़ थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक लखीसराय को त्वरित रूप से सूचना दी गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे लखीसराय जिला पुलिस में उस सीसीटीवी फुटेज को फैला दिया गया कि ये संदिग्ध गाड़ी अगर दिखे तो इसको त्वरित रूप से रोकना है और आगे कार्रवाई करना है। इसी क्रम में सुरगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, जो टीम बनाई गई थी उसमें सुरगढ़ा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, कवैया थाना अध्यक्ष राजीव, रामगढ़ चौक अरविंद और हलसी थाना अध्यक्ष अवधेश, PSI संजीव कुमार सुरगढ़ा थाना, DIU प्रभारी और विभूति। और उसके बाद जब सुरगढ़ा थाना क्षेत्र में उस बाइक को देखा गया BR03T7460 को, तो सुरगढ़ा थाना अध्यक्ष और उनके टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जब बाइक को पकड़ने के लिए दौड़ाया गया तो उसमें बाइक सवार जो है स्किड कर गया और उसमें दो व्यक्ति पकड़ा, एक का नाम है फैजुल हुदा और दूसरा था कन्हैया कुमार। फैजुल हुदा मुनिरुल हुदा साकिम राहत रोड करीमचक थाना नगर जिला सारण का रहने वाला है और कन्हैया पेसर स्वर्गीय विजय शंकर प्रसाद सिंह साकिम जकड़पुरा थाना सुरगढ़ा का रहने वाला। इन दोनों की जब तलाशी लगी तो एक लोडेड पिस्टल और 5 राउंड जिंदा कार्टेज मिला और 2 मोबाइल फ़ोन मिला। और जब गाड़ी के संबंध में भी कागज़ मांगा गया तो फैजुल हुदा द्वारा बताया गया कि गाड़ी जो है चोरी का है। फिर फैजुल हुदा ही द्वारा बताया गया कि हम लोगों को यहाँ पे शुभम कुमार जो कवैया का रहने वाला है, शुभम कुमार पिता जयशंकर प्रसाद जो 10 दिनों से हम लोग को बुलाया है और हथियार और भी उसी के द्वारा दिया गया था और उसमें एक प्रॉपर्टी डीलर है संजीत मंडल, उसकी हत्या करना था। संजीत मंडल और शुभम के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इस संबंध में आगे सत्यापन के लिए शुभम और तीनों टीम के द्वारा ही रामगढ़ चौक से जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की गई थी और इनके निशानदेही पे ही सुरजी चक से जो रामगढ़ चौक थाना में मोटरसाइकिल चोरी हुई है वो सामुदायिक भवन सुरजी चक से बरामद किया गया। और पूछताछ के क्रम में पता चला फैजुल हुदा है जो अंतर्राज्यीय शार्प शूटर है। Thank you.